कुंभज बाबा के चरणों में शिव और सती बैठ गए, कथा चालू हो गई। कथा में मन तो लगना चाहिए ना, बैठने से क्या होता है? बैठने को तो कोई भी बैठ जाए। शंकर जी तो महाराज यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि राम कथा मुनि ब्रज बखानी, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज राम कथा को मुनि ने बखान तो दिया, कह तो दिया, कथा चल भी, बचने भी लगे, पर सुख किसको मिला, कथा किसने सुनी? तो कहा सुनी महेश परम सुख मानी, ये नहीं लिखा कि सती और शिव सुख मानी। किसको सुख मिला है? महेश को, शंकर भगवान। सती का मन नहीं लगा, सती का मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सती का मन चला इसलिए गया क्योंकि सती के मन में ये आ गया कि ये हमारे हाथ जोड़ने वाला कथा सुनाएगा। अहंकार समा गया, अभिमान, मन नहीं लगा। कई लोगों को बड़ा अभिमान रहता है, मैं जब हम कथा सुनने आए तो हमारा नाम आना चाहिए, हमको भुलाया जाए, हमारा आदर करा जाए, हम आगे बैठे, हम पीछे बैठे, हम साथ बैठे, सब मन में अभिमान समाहित हो जाता है। मेरा निवेदन है, राम कथा सुनने जा रहे हो तो घर पर अभिमान को रखकर आना, मैं और मेरे को घर छोड़कर आना कि मुझे कोई पूछे। राम कथा में तो ऐसे जाकर बैठना जैसे हनुमान जी जाकर बैठते हैं, कहां बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, किसी को नहीं मालूम। बस राम कथा में मेरा मेरी अभिमत्ता को त्याग कर कथा में जाकर बैठ जा। मैं कौन हूं नहीं मालूम होना चाहिए, मैं क्या हूं मालूम नहीं होना चाहिए, मैं कौन हूं ये भी नहीं लगना चाहिए।